अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद आपी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्विक एंड इजी पोटैटो डोनट्स। तो चलिए फ्रेंड्स से बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए हमने 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1 किलो बॉइल्ड आलू लिए हैं। सबसे पहले आलू को ग्रेट करेंगे और आप इसे हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ हमने आलू को बॉइल करके ठंडा कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह ग्रेट हो जाएं। और अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें और आप व्हाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर। फ्रेंड्स, आप नमक और मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और अब इन तमाम मसालों को स्पून की मदद से बहुत अच्छा मिक्स करेंगे और आप इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला मिक्स हो गया है। अब हम हाथों पर ऑयल लगाकर पोटैटो डोनट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आलू का मसाला लेकर इसकी गोल शेप बनाएंगे और इसे प्रेस कर देंगे। हाथों पर ऑयल लगाने से आलू का ये मसाला हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। साइड सेट करने के बाद हम उंगली की मदद से सेंटर में स्ट्रोक कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। अब हमारा फर्स्ट पोटैटो डोनट्स रेडी हो गया है और आप इसे छोटे और बड़े दोनों साइज में बना सकते हैं। इसी तरह हम पोटैटो डोनट्स बनाते जाएंगे और सेकेंड साइज बनाने में हम बीच में सुराख के लिए बॉर्डर का केप इस्तेमाल करेंगे और आप यहां पर कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह हमारी तमाम डोनट्स की शेप एक जैसी बनेगी। इसी तरह हम बाकी के तमाम पोटैटो डोनट्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डोनट्स कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले हम पोटैटो डोनट्स को नमक वाले अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हम बाकी के तमाम पोटैटो डोनट्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि पोटैटो डोनट्स पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह चिपक जाएं, वरना आपके डोनट्स फ्राई होने में टूट भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे इस रेसिपी के मुतालिक इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हमारे तमाम पोटैटो डोनट्स की कोटिंग कंप्लीट हो गई है और ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। ऑयल को चेक करने के लिए डोनट का छोटा सा पीस डालेंगे। ऑयल परफेक्ट गर्म है। फिर हम इसमें एक एक करके पोटैटो डोनट्स डालते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम हाई ही रखेंगे। फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल गर्म हो, वरना पोटैटो डोनट्स की कोटिंग हट जाएगी। 2 मिनट्स बाद हम इन्हें स्पून की मदद से हिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर है इनका। और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। पोटैटो डोनट्स फ्राई करने में हमें हार्डली 4 मिनट्स लगेंगे और अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे।
ये रेसिपी घर वालों को तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये डोनट्स देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत मजेदार और क्रिस्पी हैं। आप पोटैटो डोनट्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।